तहसीलदार के कार्य प्रणाली को लेकर लोग थाने की चौखट में पहुंचे, जहां तहसीलदार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोगों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला प्रकाश में आया। दरअसल पूरा मामला पद का रोब और उत्खनन कार्य से जुड़ा हुआ है। लोगों का आरोप है कि शासकीय कार्यों में होने वाले रेत के उपयोग को तहसीलदार अवैध करार दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण शासन द्वारा किसी प्रकार का रेत रॉयल्टी निर्धारित नहीं किया गया है और न ही व्यवस्था की गई है। ग्राम के जनपद सदस्य व जनपद उपाध्यक्ष तथा सरपंचों ने आरोप लगाया कि तहसीलदार द्वारा जबरन पैसों की मांग की जाती है। यही नहीं, कार्रवाई करने व झूठे आरोपों में फंसाने की भी बात सामने आई है। फिलहाल कौन सही है कौन गलत यह तो जांच में सामने आएगा, लेकिन मामले को लेकर लोगों ने थाने की चौखट तक तो पहुंच ही गए। रोजगार गारंटी अंतर्गत स्वीकृत काम कुआं निर्माण के लिए अपूर्ण है, तो उसको कराने के लिए रेत ढुलाई काम कर रहे हैं। तो ग्राम गुलजाड़ में सतवान हाटल है, वहाँ पर जलपान के लिए रुके थे, वहीं पर आ गए तहसीलदार साहब, तो रुके और फिर ड्राइवर लोगों को गाली गलौज दे रहे थे, कौन टक्कर खड़ा किया है, यहाँ पेट भरा है, चोरी करते हैं, और अंदर मंदर गाली गलौज दे रहा था। फिर एक मेरा ड्राइवर आया, तो तुम हो गए इसे करके बोला, और फिर वो फिर डर के मारे भागा, तो दौड़ा रहे थे उसको मारने के लिए, वो गाली दे रहे थे। फिर वो मेरे को फ़ोन करके बताया, फिर मैं गया हूँ, फिर मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे थे, यहाँ बना लो आपस में तो सस्ते में बन जाएगा, और नहीं तो कलेक्टर साहब के पास फिर 35,000 में बनेगा। और तो पैसा जुगाड़ करने में टाइम लगा, हाँ पैसा जुगाड़ करने में टाइम लगा, वो बेचारा वो लाल लक्ष्मी रुका था तहसीलदार साहब, हैं करीब करीब 1.5 से 2 घंटा रुके, पैसा मिलेगा, लेकिन अब जुगाड़े नहीं था तो कहाँ से दें। के मनरेगा का निर्माण कार्य में इन्होंने रेत ढुलाई कार्य कर रहे थे, इन्होंने मेरे को जानकारी दी फ़ोन से कि हमारे भी ट्रैक्टर को पकड़ के थाने ले गए हैं, और उदय भान ने बोला कि मेरे ट्रैक्टर को भैया यहाँ चौक में पकड़े हैं और पैसा 10,000 रुपया मांग रहे हैं तहसीलदार साहब, और फिर उस उदय भान ने 7,000 रुपया नगद दिया मेरे सामने, उसके तहसीलदार साहब के आदेश कर पटवार रुका, तो मेरे सामने पैसा दिया गया और वो पैसा लेकर के पटवार फिर आ गया। और ऐसी इसके पहले भी उदय भान मरकाम जी का ट्रैक्टर जमनाही ग्राम पंचायत सेमरदरी का पहले भी पकड़े थे और पहले पैसा लिए थे। मेरे सामने की घटना है, उसमें RI साहब थे, मरावी सर, कितना पैसा और OT RI थे उस समय भी, उस बार 10,000 की बात हुई, लेकिन 3,000 रुपये नकद दिए थे। इस बार जो आज दिनांक अपना आज दिनांक 10 को 7,000 रुपये नकद दिए हैं दानी कुंडी चौक में। और सुनने में आया कि ग्राम पंचायत अंडी का पनेरिया जी का भी गाड़ी पकड़े। अच्छा ये बताओ साहब, तो कह रहे हैं उनके साथ डकैती हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे अधिकारी तो उनके खिलाफ, ये जब सरपंच पति ने लिटिया सराय ग्राम पंचायत गुल्लीडांड का, उनके खिलाफ जब वो अवैध वसूली कर रहे थे तो उनके खिलाफ FIR कराने आए। पहले उनको भनक लगा तो वो पहले अपना शिकायत दर्ज कराएं, यह गलत है तहसीलदार महोदय जी का कहना कि डकैती हो उनके साथ, ऐसा कुछ घटना की जानकारी गांव में क्षेत्र में कहीं नहीं है। इस विषय में कई कार्यवाही किए और कई लोगों से घूस भी लिया, तो इसी विषय में हम जनपद पंचायत मरवाही के सदन में सामान्य सभा में 27 तारीख के प्रस्तावित किए कि अब हमारे मरवाही परिक्षेत्र में किसी प्रकार से जो शासकीय कार्य है, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री आवास और फिर मनरेगा का जो काम संचालित है ग्राम पंचायतों में, उसमें संचालन में परिवहन में किसी प्रकार से अवरुद्ध ना हुआ जाए, ऐसा प्रस्तावित जनपद सामान्य सभा ने किया। उसी के तहत हम, मैं खुद, मेरी गाड़ी है, मैं अपने जनपद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के जो गरीब हितग्राही हैं उनका सामग्री परिवहन करने का देता हूँ, सामग्री देता हूँ, तो इसी प्रकार से रेता भी मैं अपने ट्रैक्टर के द्वारा अपने जनपद क्षेत्र में कोलबीरा ग्राम क्या हुआ क्या हुआ जी, तो उसी बीच में तहसीलदार महोदय जी द्वारा मेरे गाड़ी को भी पकड़ लिया गया और फिर लाट के मरवाही थाना चलो करके बोला गया ड्राइवर को, तो ला रहे थे तो गुलीडांड में मुझे जानकारी मिला कि तहसीलदार महोदय आपको बुलाएँ, मैं घाट से दौड़ा दौड़ाया, तहसीलदार महोदय जी मिले, उसके बाद मेरे को ये डिमांड किया गया कि आप 10,000 रुपया दो तो आपकी गाड़ी को छोड़ा जाएगा। कौन डिमांड किया? तहसीलदार महोदय था कि कुछ रेत परिवहन करके MP में भेजा जाता है, उसके जांच के परिपालन में मैं वही
लगभग 11 बजे के यहाँ से निकला था और पूरा क्षेत्र में जांच किया। गुल्ली लाण के पास अर्जुन सिंह के द्वारा रेत परिवहन कर एमपी में बेचने के फिराक में थे, उसे गाड़ी को मैं ट्रैक्टर को जब्त किया है। जब्त करके थाने में ना खड़ी करवाने के लिए ला ही रहा था, उस समय उनके साथियों और अर्जुन सिंह के द्वारा ना मेरे को गाली गलौज किए, मारपीट किए और 11,000 रुपये का डकैती किए हैं, लूट लिया, लूट डकैती की है। 6-7 लोग थे सर। किस जगह घटना है सर? गुल्ली लाण का। कितने लोग थे सर ये लोग एक साथ? 6 लोग अन्य थे और अर्जुन सिंह ध्रुव। बाकी लोग को मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इनको इन्हें नाम अपना बताया तो अपने हमारे तरफ से अराई साहब भी थे, चौकीदार भी थे और ड्राइवर लोग भी थे। सर आपके साथ मारपीट हुई तो कहीं पर चोट वगैरह भी आई सर? हाँ, अंदरूनी चोट। अच्छा सर, गांव वाले इनका आरोप है कि पैसे की मांग की गई आपकी तरफ से, 5,000 रुपये, ऐसा कुछ लोगों ने आरोप लगाया है जो यहाँ पर शिकायत लेके आए हैं। नहीं, पैसे का कोई मांग नहीं किया गया है। मैं मेरा द्वारा बताया गया था कि हम लोग चलान करते हैं ट्रैक्टर को, फिर चलान के माध्यम से खनिज शाखा में जो भी रॉयल्टी पटाना पड़ता है, इसके बाद छूट जाता है गाड़ी। थाने भेजा गया था आपसे? नहीं, अभी नहीं भेजा। कुछ देर पहले दो ट्रैक्टर भेजा था। हाँ। दोनों को कार्रवाई किया हूँ, तो वो जिला से खनिज शाखा से छूटा है। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय चैनल।